दुबई वंदना में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं, रवा तो मीठी सूजी। तो उसके लिए हमने बड़ी कटोरी से एक कटोरी सूजी ली हुई है, इसे हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से। और ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, इसमें आलमंड है, बादाम, चिरौंजी और ये सूखा नारियल, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। और एक कटोरी हमने चीनी ली हुई है। तो सबसे पहले हमने गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे, इसमें बड़े चम्मच से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। देखिए अब घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। इसे हमें 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। सूजी हमारी अभी वाइट दिख रही है, ये भी ब्राउन जब हो जाए तब तक हमें भूनते रहना है इसे भी। फ्रेंड देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे 2-3 मिनट तक हमने इसे चला लिया है। और देखिए इसे हमने अच्छी तरीके से 3 मिनट तक चला लिया है और ये ब्राउन हो चुका है। अब इसे और नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल सकता है। और फ्रेंड ये हमने मोटी वाली सूजी ली हुई है, आप कभी याद रखिए, आपको अगर सूजी का आपको हलवा बनाना है तो आप मोटी वाली सूजी लीजिए, इससे आपका हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा। बारीक सूजी मत लीजिए, मीठी सूजी आपको अगर बनानी है तो आप मोटी वाली सूजी लीजिए। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, 1 कटोरी चीनी ली हुई है हमने, छोटी कटोरी से 1 कटोरी। अब अच्छी तरीके से अभी गैस की फ्लेम को हमें कम रखना है, स्टार्टिंग में फ्लेम को तेज करके भूनना है और बाद में चीनी डालने के बाद फ्लेम हमें कम कर देना है। ऐसे लगातार भूनते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। देखिए इस तरीके से हो गया, देखिए इस तरीके से ये भूनकर हो गया है। और अब इसमें हमने गर्म दूध, हमने 1 गिलास छोटे गिलास से दूध लिया हुआ है, 1 गिलास इसी पर हमने गर्म पानी लिया हुआ है, कुनकुना पानी, इसमें हम कुनकुना पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे, इसे मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसमें अब हम थोड़ा सा इलायची दाना डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। और इसमें अब हम जो हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे ये ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे, ड्राई फ्रूट डाल देंगे और अब गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम। और अब अपने हलवा को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको मैं एक टिप्स बता रही हूँ, बहुत ही जरूरी टिप्स है ये। अपने हलवा को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, हमें 1 चम्मच भर के देसी घी और डाल देना है, इसे हमारा हलवा क्या होगा खुला खुला होगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा इसका। और अब इसे अच्छी तरीके से हमें चला लेना है। देखिए घी डालने से हमारा हलवा कितना बढ़िया खुला खुला सा लग रहा है। गैस की फ्लेम को हमें कम कर देना है और ये बचे हुए ड्राई फ्रूट भी हमें इसके अंदर डाल देना है। देखिए कितना बढ़िया हमारा हलवा बन गया है। इसके आगे मिठाई भी फेल है, आप कोई मिठाई जो कोई इसके आगे कोई भी मिठाई फेल है। देखिए इतना बढ़िया हमारा हलवा बना हुआ है, इसे जब खाएंगे आप तो आप मिठाई का टेस्ट भी भूल जाएंगे। तो अब इसे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और घी डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। देखिए घी डालने से कितना बढ़िया लग रहा है हमारा हलवा। गैस की फ्लेम को बंद करके एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। फ्रेंड देखिए एक प्लेट में हमने निकाल दिया है हलवा, बहुत ही बढ़िया हलवा बना हुआ है हमारा। देखिए इसे आप बादाम से आप सजा दीजिए
आपका जो भी अच्छा ड्राई फ्रूट आपको लगे। हम इसे एलमंड्स हम सजा रहे हैं। देखिए कोई भी मेहमान आए तब भी बना दीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा ये हलवा। फ्रेंड हमारे हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए प्लीज़। नमस्कार फ्रेंड्स।